साथ। चेन्नई टेस्ट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 280 रन से हराते हुए शाही जीत दर्ज की। लोकल बॉय रविचंद्रन अश्विन ने मैच में शतक के साथ 6 विकेट भी लिए। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए और दूसरी पारी में 287 रन पर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। इस तरह तीसरे दिन बांग्लादेश को 515 रन का मुश्किल लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में बांग्ला टाइगर्स चौथे दिन लंच से पहले 234 रन पर ही सिमट गए। करीब 20 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने अपने पुराने अंदाज में शतक जड़ा। तीसरे नंबर पर भारत के नए विकल्प शुभमन गिल ने भी अपने टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी ठोकी। किसी भी टीम के खिलाफ भारत ने पहली बार लगातार 6 टेस्ट मैच जीते हैं। सीरीज का अगला मैच कानपुर में 27 सितंबर से खेला जाएगा। इस मैच में जीत के साथ भारत ने अपने होम सीजन की जोरदार शुरुआत भी की है। इस सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दोनों टीम के बीच एक बार फिर प्रतिष्ठा की लड़ाई देखने को मिलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से ये दौरा भारत के लिए बेहद अहम होगा। साल 2022 में इसी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के 5 दिन बाद कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुए टेस्ट में टीम इंडिया के एक्स फैक्टर पंत की अनुपस्थिति में बीसीसीआई ने विकेटकीपर के तौर पर 4 विकल्प आजमाए, लेकिन कोई भी वो एक्स फैक्टर टीम में नहीं जोड़ सका जो पंत में था। उन चारों विकल्पों ने कुल 22 इनिंग्स में सिर्फ 33.44 के एवरेज से रन बनाए और सिर्फ 3 बार ही 50 रन के मार्क को पार कर पाए। ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में 128 गेंद पर 13 चौके और 4 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने पिच से पेसर्स को मदद नहीं मिलते देख तीसरे दिन के आखिरी सेशन में तेजी से रन बटोरने का फैसला किया। जाकिर हसन और शादमान इस्लाम ने रन बटोरे। जसप्रीत बुमराह ने जाकिर को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ा। इसके बाद अटैक पर अश्विन आ गए और उन्होंने 3 विकेट निकाल लिए और आज चौथे दिन भी अश्विन ने 3 शिकार कर कुल 6 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 113 रन की अहम इनिंग्स खेली थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और क्रिकेट की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने